मैंने आपको आज तक बहुत सारी वीडियोस में सिर्फ मर्डर्स ही मर्डर्स दिखाए हैं, तो आपको एक अंदाजा होगा कि कैसी कैसी वीडियोस मैं बनाता हूं। लेकिन क्या आपने कभी पिगी पैलेस के बारे में सुना है? अगर जिन्होंने सुना होगा उनको इस वीडियो की गंभीरता का भी पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं वार्निंग दे दूं कि यहां पर मैं बहुत ज्यादा घिनौने और क्रूसम क्राइम्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो प्लीज अगर आप उन चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, वरना चलिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। समय था सन 1949 का और जगह थी ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि वैंकूवर से सिर्फ 15 मील ही दूर थी। और इसी ब्रिटिश कोलंबिया में उस दिन पैदा हुआ था रॉबर्ट पिक्टन नाम का ये लड़का। असल में इसके माता पिता यहाँ दोनों ही अपना बहुत बड़ा एक पिग फार्म चलाया करते थे। इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी और इसी प्रॉपर्टी में ही यहाँ ये लोग बीच में रहते भी थे। लेकिन सन 1970 का दशक आते आते यहाँ रॉबर्ट पिक्टन के दोनों माता पिता चल बसे। उनके जाने के बाद यहाँ पर रॉबर्ट पिक्टन और उसके बहन भाई और ये बड़ा सारा पिग फार्म बच गया था। अब जैसे ही यहाँ माता पिता गए तो रॉबर्ट पिक्टन और उसके बड़े भाई ने सोचा कि क्यों ना वो मिलकर इस फार्म को उसी तरह से चलाएं जैसे उनके माता पिता आज तक चलाते आए थे। लेकिन उसकी जो बहन थी यहाँ पर छोटी थी, उसने कहा कि नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है माता पिता के जाने के बाद इस फार्म को चलाने का, इसलिए मैं तो यहाँ से बाहर निकल रही हूँ। तुमको जो अगर चलाना हो तो चलाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना यहाँ से ताम झाम पैक करके बड़े शहर में निकल गई और ये पीछे दोनों बचे थे, रॉबर्ट पिक्टन और उसका भाई। शुरुआती दिनों में तो इन्होंने भी अपने माता पिता की तरह ही बिल्कुल उसी तरह ख्याल रखा इस पिग फार्म का। लेकिन कुछ ही दिनों तक सही से ध्यान रखने के बाद बाद में इनकी भी आदत छूट गई। लेकिन अब ये जो पिग फार्म के हालात थे वो धीरे 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 कर गिरते जा रहे थे। इन दोनों भाइयों को अजीब तरीके का ही एक प्यार हो चुका था। किससे? गंदगी से। लिटरली ये सारा सारा दिन पिग फार्म में नंगे पैर घूमते रहते, उनके जो मल मूत्र था उनके अंदर नंगे पैर चलते और उन्हीं पैरों को बिना धोए अपने घर में लेकर अपने बेड में घुस जाते, कई कई दिनों तक ना नहाते। ऐसा कुछ रूटीन जो थी वो इनकी चल पड़ी थी। बेचारे सारे सूअरों का ध्यान भी आस पड़ोस के लोग रख के जा रहे थे। उनको पता लग चुका था कि अंदर रहने वाले दोनों लड़के किसी काम के नहीं है, वो दोनों नल्ले हैं, तो उनको ही यहाँ पर इन सूअरों का ध्यान रखना पड़ेगा। आस पड़ोसी आते, इन सूअरों को खाना पानी देकर जाते और वो अपना एक जस्ट फर्ज निभा रहे थे। इसी फार्म पर काम करने वाले एक बिल हिस्कॉक्स नाम के आदमी ने इस फार्म से बाहर आकर दुनिया के सामने कहा कि ये फार्म जो है वो अंदर से अब एक नर्क बन चुका है, लिटरली नर्क। ना अंदर कोई साफ सफाई है, ना अंदर कोई खाना पानी है। हम अंदर यहाँ काम करने के लिए आते हैं, साफ सफाई करने के लिए आते हैं, लेकिन हम जितनी साफ सफाई दिन में करते नहीं है उससे ज्यादा तो ये सूअर और ये रॉबर्ट पिक्टन और उसका भाई मिलकर यहाँ कचरा फैला देते हैं और उसी कचरे में सारा दिन खेलते भी रहते हैं। हमें नहीं पता कि इन दोनों भाइयों के मन में आखिर क्या चल रहा है। उस आदमी ने बताया कि बेशक मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि ये दोनों भाई किसी टाइप का कोई नशा वशा नहीं करते, लेकिन फिर भी ये सारा दिन सेट रहते हैं। जिसके बाद टाइम आया इन दोनों भाइयों का, जब ये सोचना था इनको कि क्या इनको ये फार्म रखना है या फिर इसको ये बेचना है और इसको बेच बाच कर यहां से कहीं बाहर निकलना है। तो इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना वो इस फार्म को बेच देते हैं। अब बेचने का तो सोच लिया था, लेकिन इनको इस फार्म का असली रेट, आसपास की प्रॉपर्टीज का रेट जो था वो नहीं पता था कि कितना आजकल रेट चल रहा है। सन 1994 से लेकर 1995 तक इन्होंने वहीं के एक डेवलपर को अपना लगभग सारा ही फार्म, मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा इन्होंने अपने लिए बचा कर रखा हुआ था, और बाकी का सारा फार्म $5 मिलियन में उस डेवलपर को बेच दिया। तो अब टेक्निकली अगर हम देखें तो ये नल्ले लोग दोनों जो सारा दिन घर पर खाली पड़े रहते थे और कचरा इनको बहुत ज्यादा पसंद था, तो इन अजीब से दो लड़कों के पास एकदम से ही करोड़ों रुपए आ चुके थे। जी हाँ, इतना पैसा अब ये अपने पास लेकर बैठे हुए थे, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने पैसे के साथ करे क्या। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना वो इस पैसे का कोई अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और अच्छा इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने एक पिगी पैलेस गुड टाइम सोसाइटी नाम की एक चैरिटी बना दी। उन्होंने दुनिया को बताया कि वो इस चैरिटी से बाकी की जो संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनके लिए फंड रेज करेंगे छोटे बड़े इवेंट्स लगाकर, जैसे कि वो पार्टीज करवाएंगे, डांस कॉम्पिटिशन वगैरह करवाएंगे, और इनमें जो लोग आएंगे वो उनको चंदा देंगे और वो इस चंदे को रेज करके बाकी के जो एनजीओज और चैरिटीज हैं, संस्थाएं हैं, उनमें डोनेशन देंगे। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन दिक्कत यहाँ सिर्फ ये थी कि इनका ये जो प्रोग्राम था, जो इन्होंने सोचा था, वो सिर्फ और सिर्फ
पेपर्स पर ही था, रियलिटी यहाँ कुछ और ही होने वाली थी। उन्होंने जिसको अपना एक फार्म बेचा था उस डेवलपर से अपने यहाँ रहने के लिए एक छोटी सी जगह जहाँ पर उनका वो घर बना हुआ था, वो घर और साथ में इसका स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस आपको पता ही होगा एक पिग फार्म में वो जगह होती है जहाँ पर एक बीच में बड़ी सारी टेबल बनी होती है और उसके ऊपर किसी भी सुअर को लाकर रखा जाता है और उसे ऊपर से हुक्स वगैरह लटका कर बांध दिया जाता है और बाद में उस सुअर को काट कर छोटे छोटे पीसेस में पैक करके आगे की तरफ भेज दिया जाता है। उस जगह को हम स्लॉटर हाउस कहते हैं और ऐसा ही एक स्लॉटर हाउस यहाँ इस पिग फार्म में भी बना हुआ था और उन्होंने इस डेवलपर से जिसको एक फार्म बेचा था उससे कहा कि हमको हमारा घर और ये स्लॉटर हाउस दोनों ही चाहिए होंगे, बाकी का जो भी है वो तुम खरीद लो। तो यहाँ वो उसने $5 मिलियन देके बाकी का सारा तामझाम खरीद लिया था। उसके ऊपर उसका मालिकाना हक हो चुका था लेकिन ये दोनों जगह अब ये दोनों भाई इस्तेमाल करने वाले थे अपनी पार्टीज के लिए। जो पार्टीज इन्होंने चंदा इकट्ठा करने के लिए यहाँ रखी हुई थी या फिर जो पार्टी से आने वाले पैसों से ये लोग किसी की मदद करना चाहते थे, यहाँ अब उल्टा ही हो रहा था। पहले दिन से ही, पहली पार्टी से ही इनकी पार्टीज में भर भर के दारू, भर भर के माल यहाँ सप्लाई होने लगा और जो भी लोग इस पार्टी में आने वाले थे वो कहीं से भी डोनेटर तो लग नहीं रहे थे। जब लोगों को पता चला कि इस तरह की पार्टीज यहाँ इनके घर में ही हो रही है, वो जो स्लॉटर हाउस था उसको मिला दिया इन्होंने अपने घर से और अपने घर से लेकर अपने स्लॉटर हाउस में जितनी भी उसकी जगह थी उस पूरी जगह में अब ये दोनों भाई मिलकर अपनी पार्टीज वगैरह होस्ट कर रहे थे। और इन पार्टीज में आने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ वो थे जिनको बहुत ज्यादा नशा पसंद था, या तो शहर के सबसे बड़े बड़े बेवड़े यहाँ पर पड़े हुए थे या फिर शहर की प्रोस्टिट्यूट्स यहाँ पर थी जिनको नशे की आदत हो चुकी थी या फिर शहर के बाइकर्स गैंग्स इन पार्टीज में यहाँ आ रहे थे और भर भर कर दारू पी रहे थे, भर भर कर माल फूंक रहे थे और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको यहाँ ये माल फ्री मिल रहा था। रॉबर्ट खुद यहाँ पर शहर में जा जाकर लड़कियों को उठाने लगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता था कि अगर उसकी पार्टीज में लड़कियां होंगी तो लड़के अपने आप यहाँ उनकी पार्टीज में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही ये सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ भारत के क्लब्स में भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, लड़कियों की एंट्री वहाँ हमेशा आपको फ्री मिलेगी, उसके बाद जो लड़के आते हैं उनकी एंट्रीज पर वो लोग चार्ज करते हैं। खैर, रॉबर्ट यहाँ जाकर अपने एरिया की लड़कियों को मना रहा था लेकिन इन पार्टीज में आने के लिए सिर्फ वही लड़कियां मान रही थी जो वहां की लेडी ऑफ द नाइट्स थी। जी हाँ, रातों को सर्विसेज देने वाली लड़कियां यहाँ रॉबर्ट की पार्टीज में आने के लिए तैयार थी क्योंकि उनको वहां अंदर जाकर फ्री ड्रिंक्स, फ्री खाना, फ्री सब कुछ, माल वाल सब कुछ वहां फ्री मिलने वाला था तो वो क्यों ना जाएं। लेकिन जिस टाइम पर ये पार्टीज हो रही थी और इन पार्टीज के होने के कुछ ही टाइम बाद, वैसे तो ये पार्टीज लगातार चल रही थी लेकिन इनके कुछ ही टाइम बाद यहाँ इस एरिया से लड़कियाँ, मेनली लड़कियाँ मैं कह रहा हूँ, वैसे एक दो लड़के भी यहाँ गायब हुए थे लेकिन यहाँ मेनली लड़कियाँ गायब होने लगी थी। अब वो लड़कियाँ गायब होकर कहाँ जा रही थी ये उस टाइम पर किसी को नहीं पता था। सभी यहाँ पर टेंशन मना रहे थे कि असल में उन लड़कियों के साथ हुआ क्या है, वो आखिर गई कहाँ बिना बताए। अब और ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ से गायब होने लगी तो सभी ने एक ही तरफ इशारा किया और वो इशारा था किसी सीरियल किलर की तरफ। जी हाँ, सभी लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस में कंप्लेंट करी और कहा कि कोई जरूर यहाँ सीरियल किलर इस इलाके में घूम रहा है जो सिर्फ मेनली लड़कियों का शिकार कर रहा है, आप प्लीज यहाँ पर कुछ कीजिए, ऐसे अगर इंसान गायब होने लगे तो यहाँ कोई भी डर कर रह ही नहीं पाएगा। इतनी तेजी से यहाँ लड़कियां गायब हो रही थी कि सभी के मन में अब डर बैठ चुका था कि वो अकेले बाहर ना निकले। लिटरली वहां उस टाइम पर लड़कियों का तो बाहर निकलना लगभग बंद ही हो चुका था और जैसे ही कोई भी यहाँ अगर लड़की बाहर जाती तो उसके साथ उसके पेरेंट्स, उसके साथ उसके दोस्त या फिर उसके साथ उसकी और बहनें वगैरह होती थी, कोई भी यहाँ अकेली तो कभी बाहर उस टाइम पर निकली ही नहीं। जिसके बाद एक बार फिर से पुलिस से कॉन्टैक्ट किया गया और उनको सारा सिचुएशन समझाई गई कि ऐसे ऐसे यहाँ लड़कियाँ गायब हो रही हैं, आप प्लीज़ कुछ तो यहाँ कर दीजिए। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, हम कुछ करेंगे लेकिन कुछ करने के लिए हमारे पास जो गायब हुई हैं लड़कियाँ उनकी बॉडीज होनी चाहिए। अगर वो गायब हुई हैं तो ऑब्वियसली मरी ही होंगी कहीं, तो उनकी बॉडीज आखिर कहाँ हैं? अगर हमको बॉडीज मिलती हैं तो हम उसकी जांच को आगे बढ़ाएंगे। पुलिस वालों ने उनको कहा कि अब आप खुद सोच कर देखिए कि यहाँ जो लड़कियाँ गायब हुई हैं उनमें से ज़्यादातर लड़कियाँ सारी नशे की एडिक्ट हैं और हो सकता है या तो वो किसी के साथ भाग गई हों और या फिर वो कहीं ना कहीं उन्होंने ओवरडोज ले लिया होगा नशे का और उनकी मौत हो गई होगी और ऐसी जगह मौत हुई होगी जहां हम उनको ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। जब न्यूज़ वालों को पता लगा कि वहां की पुलिस वाले इस तरह का काम कर रहे हैं कि वहां के लोगों को सुन ही नहीं रहे और वहां उनको लड़कियां गायब हो रही हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उन्होंने पुलिस के खिलाफ अखबार में छापना स्टार्ट कर दिया और खास तौर पर यहां उन्होंने लिखा कि क्योंकि गायब होने वाली लड़कियां या तो ड्रग एडिक्ट्स थी या फिर वो प्रोस्टिट्यूट्स थी, इसलिए यहां उन लड़कियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनको इंसान समझा ही नहीं जा रहा। 22 मार्च 1997 का दिन आ गया। जी हाँ, अब तक एक साल हो चुका था इन पार्टीज को चलते हुए, ये लगातार चलती ही जा रही थी, रुकती ही नहीं थी।
और लगभग एक ही साल हो चुका था यहाँ लड़कियों को भी गायब होते हुए। तभी यहाँ पर 22 मार्च 1997 के दिन दोपहर को एकदम से रॉबर्ट पिक्टन का जो घर था उसके बराबर वाले घर पर दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, और जैसे उस घर का मालिक दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर आया, उसने कुंडी खोली, उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा कि एक लड़की यहाँ खून से लथपथ हालातों में खड़ी है। उसका हाथ यहाँ से कटकर लटक रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके हाथों में हथकड़ियाँ बंधी हुई थी। ये चीज़ देखकर उसने सीधा यहाँ उस लड़की को कहा, अंदर आ जाओ सीधा और आराम से आकर बैठ जाओ और बताओ कि क्या हुआ है। उसने उसको पानी वानी पिलाया और उस लड़की ने अब बताना स्टार्ट किया। उसने कहा कि वो इस रॉबर्ट पिक्टन की पार्टी में उसके बुलाने पर आई थी और जैसे ही वो आई उसने यहाँ पर आकर नशा पता फूका और फूकने के बाद उसको अभी भी होश था, लेकिन यहाँ रॉबर्ट पिक्टन को लगा कि उसे होश नहीं है, वो अब नशे की हालत में आ चुकी है। वो उसे पकड़ कर सीधा उनके घर पर ही बने स्लॉटर हाउस में लेकर आया और वहाँ पर बड़े बड़े हुक्स जो थे वो नीचे लटके हुए थे और उनमें से एक हुक को उसने मेरे हाथ से बांधा और दूसरे में मेरे हथकड़ी बांध डाली। अब दूसरे हाथ वाली हथकड़ी को वो पहले हाथ से बांध रहा था इससे पहले कि मैंने उसके साइड में लगा हुआ चाकू देख लिया और अपने हाथ से ही वो चाकू पकड़ लिया और उसके ऊपर तान दिया। लेकिन अब वो क्योंकि एक लड़का था और दूसरी तरफ ये लड़की वो भी नशे में धुत, ये इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं चला सकती थी, तो रॉबर्ट ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसके यहाँ पहला चाकू पेट में मारा और दूसरा चाकू यहाँ उसके मुंह को छूते हुए निकल गया। लेकिन इस लड़ाई झगड़े में यहाँ वो लड़की बच गई और उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी कि वो वहां से निकलकर सीधा उस पड़ोसी के घर में जा घुसी। उस लड़की का नाम असल में विंडी था। तुरंत यहाँ पर उस पड़ोसी ने यहाँ एम्बुलेंस का इंतजाम किया, एम्बुलेंस में लड़की को बैठाया और सीधा हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल वालों ने देख लिया कि यहाँ ये लड़की के हाथ में कोई हैंडकफ वगैरह बंधी हुई है, हथकड़ी वगैरह बंधी हुई है, तो ऑब्वियसली कोई पुलिस का केस उनको लगा। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस वालों ने आकर इस लड़की से पूछा कि हाँ बताइए सब क्या हुआ है तेरे साथ। लड़की ने बताना स्टार्ट किया, वही सब कुछ बताया कि रॉबर्ट पिक्टन ने उसके साथ क्या क्या किया। तुरंत अब पुलिस ने कहा कि ठीक है हम रॉबर्ट पिक्टन को यहीं उठा कर लाते हैं, तुम यहीं रुको एक बार। पुलिस वहां से गई, वहां जो पार्टी चल रही थी उस पार्टी में से रॉबर्ट पिक्टन को उठाया, अपनी गाड़ी में डाला और सीधा उसके सामने लाकर खड़ा किया। जैसे उस लड़की ने बताया था कि उसने एक चाकू रॉबर्ट पिक्टन को भी मारा था, उसके भी यहाँ वो मुँह को छूता हुआ वो चाकू निकला था और बिल्कुल सही ये लड़की बता रही थी, उस चाकू के लगने से यहाँ रॉबर्ट पिक्टन को काफ़ी खून भी निकल रहा था। खैर अब यहाँ पर रॉबर्ट पिक्टन को उस लड़की के सामने लाकर खड़ा किया गया और पूछा गया दोनों से कि बताओ तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। रॉबर्ट पिक्टन ने यहाँ पर उस लड़की के ऊपर ही आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए। उसने कहा कि यहाँ ये लड़की मेरी पार्टी में आई थी बिना बुलाए, मैंने तो बुलाया भी नहीं, और आते आते अपने साथ बहुत सारा नशा वगैरह लेकर आई थी और इसने मेरी अच्छी सी पार्टी में वहाँ नशा पता घोल दिया। घोलने के बाद इसने वो नशा पता फूका और उसके बाद ये सेट हो गई, सबसे लड़ाई करने लगी। मैंने इसे रोकना चाहा तो इसने खुद यहाँ अपने जेब में रखा हुआ चाकू निकाला और पहले मुझ पर वार किया, जिसके बाद मैंने अपने बचाव में इस लड़की से वो चाकू छीन लिया और मैं इसके हाथों को रोकना चाह रहा था, इसलिए यहाँ पर ये जो हथकड़ी है इसके हाथों में मैंने लगाई। रॉबर्ट ने यहाँ पर एक चाबी भी निकाल कर दी पुलिस वालों को कि ये लीजिए ये चाबी है इसकी हथकड़ियों की, अब आप देख लीजिए इस लड़की के साथ क्या करना है। पुलिस वालों ने उस चाबी हथकड़ी में लगाई, वो हथकड़ी खुल गई और यहाँ अब तो पुलिस भी सोच में पड़ चुकी थी कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस को यहाँ रॉबर्ट की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस ने यहां रॉबर्ट को गिरफ्तार कर लिया और रॉबर्ट को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि सर आपने गलत बंदे को पकड़ लिया है, मैंने कुछ नहीं किया, वो लड़की जो थी वो नशे पतों की आदी है और आपको पता ही है कि जो लोग माल पीकर सारा दिन सेट रहते हों उनकी बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर यहां पर पुलिस ने रॉबर्ट की बातों पर विश्वास कर लिया और उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगाए गए थे उन चार्जेस को हटा लिया और उसे वापस घर जाने दिया। घर यहां पर रॉबर्ट वापस पहुंच चुका था, लेकिन वही बिल हिस्कॉक्स जो कि इस रॉबर्ट पिक्टन के नीचे यहाँ इसके घर में काम करता था, उसे अभी भी बहुत ज़्यादा शक हो रहा था इस रॉबर्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ वो सारा दिन देखता है कि इतनी सारी लड़कियाँ इस घर में आती हैं, सारा दिन नशे पतों में पड़ी रहती हैं और इन्हीं में से वो लड़कियाँ हैं जो गायब हो रही थी। तो यहाँ उसको रॉबर्ट पर पक्का विश्वास हो चुका था कि यही इसके पीछे है और इसने ही सभी लड़कियों को गायब किया है या फिर उनके साथ कुछ किया है। अब अपने माइंड में इतनी सारी बातें तो इसके आ चुकी थी, लेकिन ये बातें अब इसको बतानी थी किसी को, वो भी बिना अपनी प्राइवेसी रिवील किए। उसने तुरंत यहाँ पर क्राइम स्टॉपर्स नाम की टिप लाइन को फोन किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे जो जो लड़कियां यहाँ ये गायब हो रही हैं, ये सारी रॉबर्ट की वजह से ही गायब हो रही हैं, क्योंकि यही जाता है शहर में और वहां से लड़कियों को पार्टीज के बहाने बुला कर लाता है अपने घर में, और जो जो लड़कियां यहाँ गायब हुई थी वो एक टाइम पर इस घर के अंदर जरूर आई थी, तो आप प्लीज इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि आखिर यहाँ ये मामला क्या है।
पुलिस ने कहा कि ठीक है हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप अभी आराम से बैठो। बिलकॉक्स ने यहाँ फोन कट कर दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने सोचा कि हम ऐसे ही किसी के घर पर जाकर रेड नहीं मार सकते जब तक हमारे पास उसके घर के लिए सर्च वारंट ना हो। पुलिस ने यहाँ सर्च वारंट निकलवाने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन पुलिस वालों को सर्च वारंट मिला ही नहीं। शायद हो सकता है ऑब्वियसली उनकी कोशिश यहाँ थोड़ी कम थी, अगर वो कोशिश करते तो उसी टाइम पर उनको यहाँ सर्च वारंट मिल भी जाता। खैर सर्च वारंट नहीं मिला था तो उन्होंने जो टिप आई थी बिल हिचकॉक्स की, इसके ऊपर खास ध्यान नहीं दिया और वो बाकी के दूसरे केसेस में लग गए। फिर आने वाले सालों तक यहाँ ये पार्टीज इसी तरह से चलती रही और यहाँ से दर्जनों दर्जनों लड़कियाँ गायब होती रही। और इसी बीच बिल हिचकॉक्स भी बार बार पुलिस वालों को फ़ोन करता रहा कि उसे लगता है, वो मानता है, उसे विश्वास है कि ये जो लड़कियां गायब हो रही हैं ये सारी की सारी रॉबर्ट पिक्टन की वजह से ही गायब हो रही हैं, आप प्लीज़ आकर उन्हें उठा लीजिए। लेकिन पुलिस वालों ने ना ही इन पार्टीज़ के ऊपर ध्यान दिया, ना ही बिल की इस टिप पर ध्यान दिया और ना ही उनको कोई चिंता थी कि ये लड़कियाँ आखिर गायब होकर जा कर रही हैं। फरवरी 2002 का टाइम आ गया। अब तक यहाँ पर ये पार्टीज़ जो थी वो लगातार चलती ही आ रही थी और अब यहाँ पर एक आदमी जो कि पहले ही इस घर में काम किया करता था, उसने इस घर की नौकरी छोड़ दी थी और अब वो नौकरी छोड़ते ही सीधा पुलिस के पास गया और पुलिस के पास जाकर उसने सीधा कहा कि यहाँ रॉबर्ट पिक्टन का जो ट्रेलर है जो उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, उस ट्रेलर के अंदर उसने काफ़ी सारे गैर कानूनी हथियार उसके अंदर पड़े हुए देखे हैं। अब ये चीज़ सुनकर पुलिस वालों को झटका लगा और उन्होंने सोचा कि अब तो उनको ईजीली यहाँ पर जो सर्च वारंट है वो मिल जाएगा, तो उन्होंने तुरंत कोर्ट से जाकर वो सर्च वारंट लिया यहाँ पर रॉबर्ट पिक्टन के घर का और सीधा उसके घर के ऊपर रेड मारी। रेड मारते ही यहाँ पर पुलिस को उसके ट्रेलर से बहुत बहुत सारे गन्स, बहुत सारे चाकू, बहुत सारे सर्जिकल जो टूल्स होते हैं वो उनको यहाँ इस ट्रेलर में पड़े हुए मिले और इनको रखने की इजाज़त किसी को भी यहाँ नहीं थी। इसके अलावा अंदर और फार्म में तलाशी लेते हुए पुलिस को कुछ लड़कियों के आइटम्स मिले। ऑब्वियसली ये आइटम्स सभी उन लड़कियों के थे जो यहाँ से गायब हुई थी और इन आइटम्स को कब्जे में लेकर पुलिस ने सीधा रॉबर्ट को भी दोबारा झप लिया। अब झपते ही वापस अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गई, लेकिन बाद में यहाँ रॉबर्ट को उस टाइम पर तो जमानत मिल गई, लेकिन पुलिस ने यहाँ कह दिया था कि तुम अपने वापस फार्म हाउस पर जो तुम्हारा फार्म है उसके ऊपर नहीं जाओगे जब तक वहाँ हम अपनी रिसर्च को यानी कि सर्च को पूरा ना कर लें। तो पुलिस ने उसको तो छोड़ दिया लेकिन वो अभी तक अपने फार्म पर जाकर अपने सबूत मिटा नहीं सकता था। तो यहाँ पर पहले दिन जैसे ही पुलिस ने उसको छोड़ा, उस दिन ही यहाँ पुलिस को उसके घर में एक लड़की के खून के निशान मिल गए थे। अब खून के निशान मिल चुके थे तो पुलिस ने सीधा जाकर उसे वापस उठा लिया और कहा कि नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे यहाँ घर से एक लड़की के खून के निशान मिले हैं और तुम्हारे ऊपर अब मर्डर का चार्ज भी लगेगा। खैर उसे अब दोबारा झपकर उसे जेल में बंद किया गया और उसके साथ एक और कैदी रहता था। अब यहाँ रॉबर्ट को लग रहा था कि जो उसके साथ दूसरा आदमी इस जेल में रह रहा है वो भी कोई कैदी ही है, लेकिन वो असल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर ही था। अब क्योंकि यहाँ ये रॉबर्ट मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था और ये कुछ बता नहीं रहा था कि इसने क्या क्या किया है और उन लड़कियों के साथ क्या क्या हुआ है, इसलिए यहाँ पुलिस को यह हथकंडा अपनाना पड़ा कि इसके साथ उनका ही एक अंडरकवर एजेंट बैठाया गया। वो इसके साथ रहता, वो इसके साथ सोता और जब इन दोनों के बीच में अच्छा भाईचारा बन चुका था तब यहाँ रॉबर्ट ने उस आदमी के सामने बहुत सारी चीज़ें बताई, अपनी सीक्रेट्स जो वो आज तक लड़कियों के साथ करता आया था। जी हाँ, ये सारी जो उनकी कन्वर्सेशन थी वो रिकॉर्ड हो रही थी ऊपर कोने में लगे कैमरा में। यकीन मानिए वो बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। एक छोटी सी क्लिप यहाँ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो के हिसाब से यहाँ रॉबर्ट ने खुद यहाँ एक्सेप्ट किया है कि उसने आज तक 49 लड़कियों का मर्डर किया है अपने उसी घर के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो असल में करता क्या था। वो यहाँ पर पार्टीज़ में लड़कियों को बुलाता, लड़कियों को बुलाकर उनको खुद यहाँ नशे पते देता। नशे पतों के बाद जैसे ही वो लड़कियाँ भंड हो जाती उन्हें सीधा यहाँ से एक एक करके स्लॉटर हाउस में लेकर आता। मैंने आपको बताया था कि वहाँ एक लंबी सी टेबल लगी होती है जिसके ऊपर यहाँ सूअरों को रखा जाता था, लेकिन दिक्कत यहाँ सिर्फ ये थी कि अब की बार सूअर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिंदा इंसान इस टेबल के ऊपर रखे जा रहे थे और वो भी वो इंसान जो पहले से ही नशे में भंड हो, उनको कुछ अता पता ना हो कि आखिर उनके साथ क्या किया जा रहा।
रहा है। खैर यहाँ उनको उस टेबल के ऊपर रखते ही ऊपर से वो जो हुक्स थे उसकी दीवार से लटके हुए थे उनको लेकर आता, उन हुक्स से यहाँ इन इंसानों को या फिर मैं कहूँ लड़कियों को बांधता और बाद में उनको तेज धारदार हथियार से छोटे 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 हिस्सों में काट देता। एक अच्छी गहरी पूछताछ में हाँ रॉबर्ट ने बताया कि उसने अपना सबसे पहला मर्डर 1991 में इसी फार्म हाउस में किया था, लेकिन उसके बाद वो करके उस वो मर्डर को भूल ही गया। असली उसको जो खून चढ़ा था खून करने का वो था सन 1996 का समय। उस टाइम पर इसने अपनी पार्टीज़ करनी स्टार्ट करी थी और इन पार्टीज़ में से ही जो लड़कियां थी उसके लिए सबसे बढ़िया शिकार थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो नाजुक होती हैं और नशे के बाद तो वैसे ही वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती और इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा शिकार थी इस रॉबर्ट के लिए। रॉबर्ट ने यहाँ खुद बताया कि उन लड़कियों को छोटे 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 हिस्सों में काटने के बाद उनका वो चूरा कर देता था, ब्लेंडर से उनको अच्छे से पीस कर वो जो चूरा बनता था वो अपने सुअरों को यहाँ वो खिलाता था, और जो चीज़ वो सुअर नहीं खाते थे उन चीज़ों को इकट्ठा करके वो यहाँ साइड में ही मौजूद एक रेंडरिंग प्लांट में देकर आता था, जहाँ पर आगे उनको प्रोसेस किया जाता था। अगर आपको नहीं पता कि रेंडरिंग प्लांट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बूचड़खाने होते हैं जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है और उनको काटने के बाद भी जो चीज़ें बच जाती हैं जो बिकती नहीं है उनको यहाँ उठाकर एक रेंडरिंग प्लांट में लेकर आया जाता है और उनको भी यहाँ पीस कर छोटा 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 चूरा बनाया जाता है उनसे, और उस चूरे से ही बनती है आगे जेलेटिन, और उस जेलेटिन से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि लिपस्टिक वगैरह या फिर जेली वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बनती हैं वो जेलेटिन से ही बनती हैं। तो इसका साफ मतलब ये था कि जिन जिन का भी शिकार यहाँ रॉबर्ट ने किया उनके शरीर से बाद में या तो लिपस्टिक बनाई गई या फिर उनको सुअर खा गए या फिर उनकी जो जेली, जो बियर आपको पता ही होगा जेली जो आती है टॉफी वगैरह जो पहले बहुत बचपन में खाया करते थे अभी भी बच्चे खाते हैं बहुत खुश होकर, वो जेली इस टाइप की चीज़ें यहाँ बनी होंगी। सोचकर देखिए मैं तो यहाँ ये सोचकर हैरान हूँ, कोई लड़की यहाँ जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो और बाद में उसके शरीर के साथ लिपस्टिक बन गई हो और उसी लिपस्टिक को लगाकर एक और लड़की सेम इसी पार्टी में आई हो, कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो जाता है। तो इसके अलावा इसने यहाँ बताया कि कुछ चीज़ें अपने सुअरों को खिलाने के बाद थोड़ा बहुत मांस वो खुद के लिए भी रख लेता था और उस बचे हुए इंसानी मांस को वो अच्छे से पीस कर फिर से उसको पोर्क के साथ मिलाकर उस मांस की सॉसेज बना लेता। सॉसेज आपको पता ही होगा ये बाहर के देश में ये गोरे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये सॉसेज बना लेता और उसी सॉसेज को अलग अलग डिशेज के साथ अपनी पार्टीज़ में सर्व करता। सोच कर देखें यहाँ जो इस पार्टी में मेहमान आ रहे थे नाचने गाने खाने पीने के लिए कूदने के लिए और नशे करने के लिए, वो सारे यहाँ पर जो खा रहे थे वो कुछ और नहीं था बल्कि उनके जैसे ही मेहमान थे जो कभी इस पार्टी में आए थे। पुलिस ने यहाँ फॉरेंसिक्स के साथ मिलकर एक लंबे इलाके की छानबीन इस फार्म के आसपास करी, लेकिन पुलिस को यहाँ सिर्फ और सिर्फ 26 लड़कियों के ही अवशेष बहुत छोटे छोटे मिल पाए। वो भी वो इसलिए मिले होंगे क्योंकि ये काटते हुए उनको या फिर उनको पकाते हुए नीचे गिर गए होंगे और बाकी नीचे जाकर वो जमीन में ही जम गए होंगे। बाकी लड़कियों के तो आज तक अवशेष नहीं मिले, इसलिए यहाँ पर पुलिस द्वारा रॉबर्ट के ऊपर 26 मर्डर्स के चार्जेस लगाए गए, लेकिन उसको यहाँ सजा सिर्फ 6 की ही दी गई क्योंकि बाकियों के कोई सबूत इसके खिलाफ मौजूद नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर डेड बॉडी नहीं थी तो जांच आगे नहीं बढ़ सकती, किसी विक्टिम की पहचान नहीं हो सकती, अब पहचान नहीं हो पाएगी तो क्या ही कोई केस बनेगा। इसको जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुना दी गई, वो भी बिना पैरोल के, ये कभी बाहर नहीं आ सकता, ये आज भी जेल में बंद है, आज भी यहाँ ये अमेरिका की किसी जेल में आपको बैठा हुआ दिख जाएगा, लेकिन जो इसने किया वो सच में यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हॉरिफिक था मेरे लिए भी। ये ऐसी घटना थी उस टाइम की, यहाँ इसके ऊपर कई सारी मूवीज भी बनाई गई हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी पिगी पैलेस मैसाकर की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको मुझसे बात करनी हो या फिर ऐसी ही रील्स देखनी हो ऐसी स्टोरीज़ की तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट नीरज को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।